جان سے پیاری بہت ہے یدو کی جان سے پیاری بہت ہے ہمیں اسحاق سے یاری بہت ہے یدو کی جان سے پیاری بہت ہے ہمیں اسحاق سے یاری بہت ہے میں کہتا ہوں میری پہچان کیا ہے اسلام آباد والوں میں کہتا ہوں میری پہچان کیا ہے وہ کہتا ہے غداری بہت ہے غداری کا تسلسل توڑنا ہوگا غداری کا تسلسل توڑنا ہوگا اگرچہ ہم پہ یلغاری بہت ہے امین وقت کی باتوں میں اکثر امین وقت کی باتوں میں اکثر حقیقت کم اداکاری بہت ہے نکل آئے گا آزادی کے سورج نکل آئے گا آزادی کے سورج شب کی ستم کی شب بھاری بہت ہے میرے سرزمین کے غیور باسیوں مظلوم ساتھیوں آپ 75 سالوں میں ہمیں مال مواشیوں کی طرح چلایا جا رہا ہے ریڑھ کی طرح چلایا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے لیے الگ معیار بنایا ہے 24 لاکھ عوام کے لیے الگ معیار بنایا ہے ابھی تمہارا دو قومی نظریہ ہم زمین بوش کریں گے 1947 سے ہی ہے تم اپنی پالیسیوں پہ غور کرو میں اسلام آباد کے ان حکمرانوں کو مقتدر حلقوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی ڈائری پہ نوٹ کرو یہاں جو ڈائریاں نوٹ کر رہے ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کرو یہ تاریخ یہ اجتماع یہ جلسہ اور یہ دھرنا تمہیں یاد رہے گا ہمیشہ اور آپ کی پالیسیوں کو غور کرو خدا کے لیے ایسا نہ ہو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں تو مجھے آپ تھوڑا ٹائم دے میں نے 45 سال میں نے اور اس خاک کے لیے دیا ہے خاک یہ میری مٹی نہیں میرا خاک ہے میں نے اس زمین میں دفن ہونا ہے یہ مٹی میرے قبر پہ پڑنے والی ہے اس مٹی نے مجھے قبول کرنا ہے میں اس مٹی کا وارث ہوں میں اس مٹی کا سپوت ہوں تو میں اس مٹی کو قسم بنا کے کہتا ہوں کہ اب میرے نوجوانوں آج آپ کو دیکھ کر ہمیں امید ہو رہی ہے اور اسلام آباد کے کٹ پتلے سرکار کے پاؤں میں لرزہ تاری ہو گئی ہے
से दिला में वेले क्यूब हॉस्पिटल देना होगा रोड देने होंगे मोटर रेल देने होंगे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल देने होंगे यहां हमें सोसपोर्ट की आमदन आप मुझे दे दरिया सिंह की रियलिटी मुझे दे टूरिज्म की आमदन मुझे दे इनकम टैक्स की रियलिटी मुझे दे तो खुदा की कसम मैं अपने आप मुझे मेरी जमीन पर मुझे मेरा इख्तियार दे दे हक हकीमियत मुझे दे दे हक मालिकियत दे दे पहाड़ों का मालिक मैं हूं दरियाओं का मालिक मैं हूं शहरों का मालिक मैं हूं तो आप मुझे मालिक बनाए और गिलगित के अंदर आप तुम्हारा जाली सूबा हमें मंजूर नहीं है तुम्हारा जाली एक पैकेज तुम पंजाब के मजदूरों को दे देना एक पैकेज आप बलूचिस्तान के लोहे के मजदूरों को देना ये पैकेज आपने हमें हमें अभी मजीद पैकेज हमें कबूल नहीं है आप हमें आजाद कश्मीर की तरह झंडा दे दे तराना दे दे असेंबली दे दे इख्तियार दे दे वसाइल दे दे आज से कम पे अभी कोई सौदा बाजी नहीं होगी तो इंशाल्लाह अब ये गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान जाग चुका है मेरे गिलगित के वासियों हल्के एक दो तीन के वासियों आपका किरदार बहुत अहम है आप मरकज के लोग हैं खुदा के लिए अगर आप इत्तेहाद करेंगे शिया सुन्नी भाई भाई कहेंगे इस्माइलियों को भी नौबक्षियों को भी हिंदुओं को भी आके अपने साथ मिला के अपने कौमी हुकूम के लिए अपने वसाइल पे कब्जे के लिए अपनी जमीनों पे कब्जे के लिए मलकियत हमारी कब्जा तुम्हारा अब नहीं चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा अभी हम चार्टर ऑफ डिमांड 16 का हमने दिया है आप इस्लामाबाद में जो बैठे हैं ये तो बहुत कम चार्टर ऑफ डिमांड है तुमने 75 सालों में मेरे वसाइल को लूटा है डकैती की है मेरे वसाइल को सोमनाथ के मंदिरों की तरह लूटा है तुमने मेरे वसाइल को तुमने मेरे कौम को बोगी पे चढ़ाया है अगर मेरे वसाइल पे सोसपोर्ट की आमदन 6 महीने की 5.5 बिलियन है ये जो पहाड़ है इसको जब अंग्रेज सर करते हैं तो 4 खरब रुपए मेरा नहीं ये सेफ्टी सयाहत का बयान है आपने देखा होगा आपने टूरिज्म ने 2023 में 65 अरब रुपए कमाए हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में साल में 300 अरब डालता हूँ तुम 250 अरब के ढकार मार के ढाका मार के मुझे कहते हो कि सब्सिडी खैरात में देते हो अगर मुझे मेरे वसाइल पे इख्तियार दिया जाए तो मुझे गंदू में सब्सिडी देते हो मैं तुम्हारे 24 करोड़ पाकिस्तान के आवाम को भी हेल्थ पे सब्सिडी दूंगा तालीम पे दूंगा रोजगार पे दूंगा आप मुझे मेरे वसाइल पे आप ऐसे थे निगरान की हैसियत से अक्वामे मुतहिदा ने आपको हुकूमत पाकिस्तान को 3 चीजें दी है 3 चीजें उठा के दिफा हुकूमत पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के पास डिफेंस हुकूमत पाकिस्तान के पास उसके बाद यूएन ने इंडिया और पाकिस्तान को पाबंद किया है तुमने मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने खुद मुख्तार वहाँ पे हुकूमत कायम की है इस्लामाबाद सरकार ने आजाद कश्मीर में खुद मुख्तार हुकूमत कायम की है और मुझे 75 सालों से सरजमीन बेआईन के नाम से रखा है अब हमारा मुतालबा यही है कि आप हमें मजीद आईन से महरूम नहीं रख सकते आप मेरे मेम्बरान असेंबली को 8 अरब देते हैं अगर मेरे वसाइल मेरे कब्जे में आ गए और मेरा अख्तियार मेरे पास आया तो मेरे 24 एमएलएज के पास 100 अरब का बजट बनता है फिर मैं रोड बनाऊंगा स्कूल बनाऊंगा कॉलेज बनाऊंगा बेरोजगारी काटूंगा